और कई बार तो कई लोग तो डॉक्टर्स को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को डॉक्टर में नहीं गिनते थे, वो बोलते थे यार मैं चश्मा टेस्ट कर देते हैं, और ड्रॉप भी का ड्रॉप आती थी पायरीमोन आई एन टी ए ड्रॉप, और एक आती थी जो एमपीसी की ड्रॉप आती थी एमपीसी पायरीमोन पायरीटोट एमपीसी कंपनी की, तो ये ड्रॉप आती थी, एक एंटीबायोटिक आती थी उस जमाने में, उसकी बात थी एक सिप्रोक्साइड ड्रॉप आती है जो आज भी काफ़ी कॉमनली यूज करते हैं लोग, सिप्रोक्साइड भी मिल जाती है। तो हमें अपडेट रखना है, अपने आप को अपडेट रखना है, और वो बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि क्या होता है कि जब इन्वेंशन नहीं होती है तो उसके साथ साथ इसका इससे बड़ी इंटरेस्टिंग है, कोई इंटरेस्ट आइडिया है किसी को?
एनीबॉडी फेको वाला जगदीश जी थोड़ा सा उनको म्यूजिक का शौक इंटरेस्ट था, सैक्सोफोन बजाते थे, तो वो वीकेंड में जब कोई पेशेंट एडमिट होता था तो 10 दिन 15 दिन एडमिट रहता था, क्योंकि बड़ा चीरा लगता था, तो उनके प्रोग्राम डिस्टर्ब होते थे, यार ये डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, 15 केस एडमिट कर लिए, 2 हफ्ते का एडमिट है तो 2 हफ्ते तक कोई सर्जरी नहीं कर सकते आप, कैरेट सर्जरी है ना, तो उनने उनको लगा यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने एक नई किडनी स्नैर टाइप किया, ड्राई किया आँख के अंदर, जो एक पता है स्नैर या फिर एक सरोता होता है जिसमें सुपारी काटते हैं, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट ट्राई किए, उन्होंने मैग्नेट ट्राई किया, चुंबक लगा के उसको तोड़ने की कोशिश की, कुछ भी हो गई, उनको लगा कि गाड़ी में पड़ी उनकी वो दांत उनके गंदे हो गए, जूते भी उनके गंदे हो गए, तो दांत साफ कराने जो एक थॉमस कोहन नामक का सर्जन था उसके पास गए, तो उसने एक जो स्केलर यूज किया उसने।